हेलो हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अगर बात करें, हमारा चैनल बॉस ऑफ फाइनेंशियल बाजार से इन्वेस्ट फॉरएवर हो चुका है। सो हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर है, प्लीज डोंट माइंड, वीडियोस को देखते रहिए, इसी तरीके से प्यार करते रहिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले मल्टीपल कंपनी से रिलेटेड, और उसके रिजल्ट आज की डेट में अनाउंस हुए, और एक आध कंपनी के रिजल्ट नहीं आए हैं, जैसे कि हनीवेल ऑटोमेशन सिस्टम, जो कि ऑटो एंसिलरी की बहुत बेहतरीन कंपनी है। 42,000 रुपीज का शेयर नजर आता है, और आज की डेट में दो शेयर से रिलेटेड वीडियो बनाई है, जहां पर आपको अच्छे खासे गेन नजर आ रहे हैं। इसमें 42% के, इसमें 74% के रिटर्न्स नजर आ रहे हैं, तो इन वीडियोस को जाके आप देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की। अगर यहां पर देखते हैं, इसने शायद यहां पर डिविडेंड अनाउंस किया है या नहीं, यहां देख लेते हैं। अगर यहाँ पर डिविडेंड दिया होगा तो यहाँ पर दिख जाएगा, अदरवाइज आप एनएसए की साइट पर चेक कर लीजिएगा, वहाँ एक बार पता चल जाएगी। और आप मुझे भी डेफिनेटली नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पर अगर रिजल्ट देख लेते हैं, तो आज की डेट में अपर सर्किट पे शेयर बंद हुआ था, इन करोड़ में रिजल्ट है। और यहाँ पर देखते हैं टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो यहाँ पर देख लिए टोटल इनकम लगभग 1833 करोड़, इससे पहले 1896, इससे पहले 1951 करोड़ रुपए का टोटल रेवेन्यू था। अगर बात करें ईयरली क्वार्टरली बेस पे, यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है इस क्वार्टर में। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट इनकम की, तो यहाँ पर इस बार 1670 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम हुआ था, इससे पहले 1757, इससे पहले 1802 करोड़ रुपए। तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर हमें गिरावट नजर आ रही है। बट बात करते हैं टोटल एक्सपेंस की, तो 1645 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस हुए, इससे पहले 1600, इससे पहले 2280 करोड़ के आसपास के एक्सपेंस होते हुए नजर आए थे। तो ईयरली बेसिस पे एज वेल एज क्वार्टरली बेसिस पे तो यहाँ पर एक्सपेंस बढ़े हैं, बट ईयरली बेसिस पे यहाँ पर एक्सपेंस घटते हुए नजर आए हैं। और बात करते हैं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो 127 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 232 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 242 करोड़ रुपए का यहाँ पर घाटा था एक साल पहले। तो कंपनी ईयरली बेसिस पे तो प्रॉफिट में आ गई है, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई है। और बात करें यहाँ पर क्वार्टरली बेस पे, तो यहाँ पर क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट नजर आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस आप कह सकते हैं। और यहाँ पर ईपीएस भी देख सकते हैं, हाफ नजर आ रहा है, लगभग 7.55 रुपए, इससे पहले 13.82 रुपए था, इससे पहले 14 रुपए का नेगेटिव ईपीएस था। तो यहाँ पर अगर बात करें पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस की, तो अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस, मतलब बात करें ठीक ठाक रिजल्ट पेश करे, इतने अट्रैक्टिव यहाँ पर रिजल्ट पेश नहीं हुए, बस ये ईयरली बेस पर नेगेटिव से प्रॉफिट में आ गई है। बात करते हैं ऊर्जा ग्लोबल की, तो यहाँ पर ये पेनी स्टॉक नजर आता है, और हमने काफी बार इससे वीडियो बनाई भी है, और ईवी से रिलेटेड ये शेयर काम करता हुआ फ्यूचर में नजर भी आता है, तो यहाँ पर आप इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। और यहाँ पर देखते हैं इनलैक्स में यहाँ पर इनके रिजल्ट है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 4,377 लाख, इससे पहले 3,445, इससे पहले 2,788 लाख इन रुपीज। तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। और बात करते हैं यहाँ पर टोटल एक्सपेंस, तो 4,323 लाख इन रुपीज, इससे पहले 3,385, इससे पहले 2,702 लाख इन रुपीज का यहाँ पर एक्सपेंस होता हुआ नजर आया था, जो कि क्वार्टरली ईयरली बेस पर बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर ये देखते हैं आप, यहाँ पर देख लीजिए फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर 53 लाख इन रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 60 लाख का था, इससे पहले 85 लाख। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है प्रॉफिट में, और ये इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंस यहाँ पर ज्यादा होते हुए दिखाई है। बट अगर बात करें रेवेन्यू की, तो वो बहुत बेहतरीन यहाँ पर होते हुए नजर आए है। और यहाँ पर ईपीएस भी देख लीजिए, 10 पैसे का ईपीएस है, इससे पहले 12 पैसे का ईपीएस था, 12 पैसे भी नहीं और भी कम है। और बात करें यहाँ पर 0.017 यहाँ पर रुपीज का यहाँ पर ईपीएस नजर आता है। तो यहाँ पर ऊर्जा ग्लोबल लॉन्ग पेनी स्टॉक है, छोटा मोटा ही है, और भागता कभी ऑपरेटर जिस तरीके से एक्टिव करना चाहते हैं एक्टिव करते हैं। इसके अलावा कैमकॉन स्पेशलिटी, ये शेयर देखिए आज के न्यू ही लिस्टिंग है, अभी ये आता हुआ दिखाई दिया था, और आई थिंक ये दूसरा क्वार्टर है इसका, जो ये दूसरा या तीसरा कि ये रिजल्ट पेश कर रहा है मार्केट में आफ्टर लिस्टिंग। अगर बात करते हैं यहाँ पर इन लैक्स में यहाँ पर इसके रिजल्ट है, और अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देख लिए टोटल इनकम 7,460 लाख इन रुपीज, से पहले 6,602, इससे पहले 5,373। तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर टोटल इनकम में जंप है, जो कि काफी अच्छी बात है। टोटल एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस में यहाँ पर ईयरली क्वार्टरली बेस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 5,330 है, इससे पहले 4,401 थे, इससे पहले 4,076 थे। और बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पर देख लीजिए 1,550 लाख इन रुपीज, से पहले 1,647, इससे पहले 980 लाख इन रुपीज
₹20 के आसपास था। तो ईयरली बेस पे तो यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म किया है कंपनी ने, बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है थोड़ी सी स्लाइटली। और बात करते हैं ईपीएस की, तो ईपीएस भी यहाँ पर सब कथा बता देगा। ₹4 का ईपीएस इस बार है, ₹4.23 का, इससे पहले ₹4.5 का था, इससे पहले ₹3.08 का ईपीएस था। तो यहाँ पर अगर बात करें कैमकॉन स्पेशलिटी की, तो रिजल्ट ठीक ठाक यहाँ पर नजर आ रही है। बात करते हैं यहाँ पर कोटले पाटिल डेवलपर्स की, तो ये भी जो शेयर है का यहाँ पर डेवलपमेंट और इसे नजर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ये शेयर नजर आता है रियल एस्टेट स्टेट का। अगर बात करते हैं इंडेक्स में यहाँ पर दे रखा है ये इस बार के, ये Q3 के लास्ट ईयर के रिजल्ट है। तो टोटल इनकम की बात करें 24,950 लाख इन रुपीज, से पहले 8,812, इससे पहले 12,424। तो ईयरली बेस पे तो लगभग दुगना यहाँ पर प्रॉफिट है, क्वार्टरली बेस पे भी अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट नजर आ रहा है। टोटल एक्सपेंस यहाँ बात करें वो भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 21,000, इससे पहले 10,000, इससे पहले 12,000। तो अगर बात करते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,686 लाख रुपीज, से पहले 997 माइनस में यहाँ पर लैक्स में यहाँ पर घाटा था, इससे पहले 778 लाख रुपीज का प्रॉफिट था। तो ईयरली बेस पर तो कंपनी ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अगर बात करें तो लगभग 3.5 times यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करके दिखा रही है। और बेसिक की बात करें तो 3.53% का यहाँ पर ईपीएस है, इससे पहले नेगेटिव में था, इससे पहले ₹1 का ईपीएस था। तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म करके यहाँ पर शो कर दिया है कि हम वी आर द किंग। एज वेल एज बात करते हैं पर ये जमुना ऑटो का, तो जमुना ऑटो आपको पता ही है ऑटो एंसिलरी की दूसरी एक बेहतरीन कंपनी हमें नजर आती है। ऑटो एंसिलरी के काफी यहाँ पर रिजल्ट, अगर बात करें जेटी केटी के आए थे, अच्छे रिजल्ट आए थे, यहाँ पर भी देख लेते हैं इनलैक्स में यहाँ पर रिजल्ट है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की, यहाँ पर प्रिंट थोड़ा अच्छा नहीं है, 18,710 लाख रुपीज, से पहले 34,467 था, इससे पहले 24,196। तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर जंप है, सॉरी 48,710, इससे पहले 34,000, इससे पहले 24। तो ईयरली बेस पे ये 2 times यहाँ पर जंप है, और क्वार्टरली बेस पे भी अच्छा खासा जंप है। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 41,232 लाख रुपीज, से पहले 29,000, इससे पहले 20,000। तो यहाँ पर एक्सपेंस भी 2 times ही ईयरली बेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्वार्टरली बेस भी यहाँ पर जंप है एक्सपेंसिस में। और नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ देख लिए 4,750 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, इससे पहले 3,000 था, इससे पहले 103। तो ईयरली बेस पे बात करें तो 4 times यहाँ पर प्रॉफिट है, और क्वार्टरली बेस पे बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि इसका ईपीएस भी बता देगा, ₹1.19 का ईपीएस है, इससे पहले 76 पैसे का था, इससे पहले 28 पैसे का ईपीएस यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो ऑटो एंसिलरी की मोस्टली सारी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है। और कल की डेट, परसों की डेट की अगर बात करें, तो यहाँ पर 2 companies के और रिजल्ट आते हुए दिखाई देंगे, एलजी बालाकृष्ण ब्रदर्स, और एज वेल एज बात करें यहाँ पर दूसरी कंपनी मदरसन सोमी, जो कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। औरविंदो फार्मा यहाँ पर अगर बात करें, ऑन ड्यूरिंग द मार्केट ही रिजल्ट आ गए थे, इंडेक्स में रिजल्ट है। टोटल इनकम की बात करते हैं 4,38,145 ओके यहाँ पर इन लैक्स इन रुपीज है, इससे पहले 3,90,000 ओके कह सकते हैं 3,90,000 लैक्स इन रुपीज, से पहले 3,80,000 लैक्स इन रुपीज। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पर टोटल इनकम में यहाँ पर जंप है, जो कि अच्छी बात है। और यहाँ पर बाइफर्केशन आप देख सकते हैं यहाँ पर किस किस तरीके से यहाँ पर पैसा आया है इनके पास। और एक्सपेंस की बात करते हैं तो 3,26,000 के एक्सपेंस इस बार हुए, इससे पहले 2,88,000 था, इससे पहले 2,93,000। तो एक्सपेंस भी ईयरली क्वार्टरली बेस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं, तो देख ली 87,258 लाख रुपीज, इससे पहले 73,000, इससे पहले 71,000। तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर जंप नजर आ रही है प्रॉफिट में। तो अगर बात करते हैं ईपीएस, जो कि बता देगा आपको सारी कहानी, तो 14.89 रुपीज का यहाँ पर ईपीएस इस बार का है, 12.56 पैसे का यहाँ पर पहले था, और 12.25 पैसे का यहाँ पर रुपीज का ईपीएस यहाँ पर पहले था। तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्म किया है। तो औरविंदो के साथ आप बने रह सकते हैं। एज वेल एज बात करें यहाँ पर और भी कुछ चीजों की, तो यहाँ पर एक और फार्मा कंपनी है सन फार्मा, तो इसके भी रिजल्ट आ गए हैं, इन मिलियंस में यहाँ पर रिजल्ट है। अगर बात करते हैं टोटल इनकम की, 1,494 लाख रुपीज, इससे पहले 1,746 था, इससे पहले 1,135। तो ईयरली बेस में यहाँ पर जंप है, बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर गिरावट है। एज वेल एज अगर हम बात करते हैं, ये स्टैंडर्ड लोन की बात कर रहा हूँ, ये भी जो भी रिजल्ट हम देख रहे हैं वो सारे स्टैंडर्ड लोन है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं एक्सपेंस की, तो टोटल एक्सपेंस 1,170 लाख मिलियंस इन रुपीज, से पहले 1,387, इससे पहले 1,003 मिलियंस इन रुपीज। तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर टोटल
एक्सपेंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करें तो 236 लाख इन रुपीज, से पहले 291, इससे पहले 76 74 मिलियन इन रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट था। ईयरली बेस एज वेल एज क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर गिरावट है, बट ईयरली बेस पे अच्छे खासा यहाँ पर प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया, और ईयरली बेसिस पे ही ज्यादातर मायने रखते हैं और ईयरली बेस पे ही यहाँ पर कंपेरिजन ज्यादा किया जाता है। एज वेल एज ईपीएस की बात करें तो 58 पैसे का ईपीएस है, इससे पहले 71 पैसे का था, तो एक साल पहले 18 पैसे का ईपीएस है, जो कि आपको पूरी कहानी बता सकता है। तो कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया है। और कंसोलिडेट की बात करें तो कंसोलिडेट में ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस में यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। एज वेल एज बात करते हैं मन इंफ्रास्ट्रक्चर मन इंडस्ट्रीज की, तो टोटल इनकम की बात करें 55,231 लाख रुपीज का यहाँ पर इनकम है, इससे पहले 54,000, इससे पहले 67,000, तो ईयरली क्वार्टरली बेस पे यहाँ पर क्वार्टरली बेस पे जंप है टोटल इनकम में, बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर ईयरली बेस पे गिरावट है और क्वार्टरली बेस में यहाँ पर जंप नजर आती है टोटल इनकम में। टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 51,000 के एक्सपेंस लाख रुपीज के एक्सपेंस इस बार के है, इससे पहले 50,000 था, इससे पहले 66,000, तो एक्सपेंस भी यहाँ पर ईयरली बेस पे घटते हुए नजर आ रहे हैं, बट क्वार्टरली बेस की बात करें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो जो कि यहाँ पर है तो 2,523 लाख रुपीज, इससे पहले 3,000 था, इससे पहले 1,233 था, तो ईयरली बेस में यहाँ पर लगभग दोगुना प्रॉफिट हुआ है, बट क्वार्टरली बेस में यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है प्रॉफिट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.42 रुपए का ईपीएस इस बार का है, 5.40 रुपए का ईपीएस इससे पहले था, और 2.16 रुपए का ईपीएस एक साल पहले था। तो कंपनी ने यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। तो मन इंडस्ट्रीज एज वेल एज यहाँ पर बात करें मार्क्सन फार्मा और फार्मा ओके, जो कि इन सभी कंपनी के रिजल्ट आते हुए हमें दिखाई दिए। जमुना ऑटो ऑटो एंसिलरीज के सारे रिजल्ट काफी बेहतरीन आ रहे हैं, कोटले पाटिल इसके भी रिजल्ट अच्छे हैं, कैमकॉन के भी रिजल्ट अच्छे हैं, ऊर्जा ग्लोबल भी थोड़ा सा यहाँ पर फीका पड़ाता हुआ दिखाई दिया है, ये तो ये कंपनी के रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए। तो आपको कौन सी वीडियोज अच्छी लगी, आपके कौन से शेयर आपके पास है तो उसे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, एज वेल एज हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉर एवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।